पेट्रोलियम कंपनियों ने गुरुवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है। हालांकि ये कटौती बेहद मामूली है। पेट्रोल की कीमतों में 7 पैसे और डीजल की कीमतों में 5 पैसे की कटौती की गई है। इससे पहले बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 1-1 पैसे की कटौती की गई थी। यानी लगातार 15 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 16वें और 17वें दिन रेट में मामूली कटौती की गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 78.35 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं बुधवार को जब 1 पैसे की कटौती की गई तो लोगों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने इसे जले पर नमक छिड़कना बताया। देखिए, केवल जनता धोखा देने का काम सरकार कर रही है, केंद्र सरकार। 1 पैसे की कमी, कोई कमी होती है तो जनता था, मजाक किया उनने। जहाँ पर जो है करोड़ों अरबों रुपए जो है पेट्रोल कंपनियां डकार रही हैं, जनता के साथ छलावा हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो 2014 में जो वादे किए थे जनता से, स्मृति ईरानी ने वादे किए थे, बाबा रामदेव ने वादे किए थे, वो वादा तो पूरा करे सरकार कम से कम, और जनता को राहत दे। ये केवल छलावा है और धोखा है। नहीं साहब, हमारे दाम तो नहीं बढ़ रहे हैं कि बस पेट्रोल के दाम से तो काफ़ी नुकसान हो रहा है क्या? अभी 1 पैसे की कमी की गई है पेट्रोल के दाम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 पैसे में क्या होता है? 60 पैसे तो कुछ होता है नहीं, ठीक है। अभी 86 रुपए लीटर है पेट्रोल का जो दाम है, 86 रुपए लीटर हो गया है, तो हम जैसे लोगों को भारी पड़ता है। तो हमको तो अब ऐसा हो गया कि घर पे गाड़ी छोड़ दूँ, ठीक है, अब साइकिल से अप डाउन करूँ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि क्या आप पीएम मोदी का नसीब खराब हो गया। पीएम मोदी ने ये भाषण साल 2015 में एक चुनावी रैली के दौरान दिया था। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। कर्नाटक चुनाव के बाद शुरू हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार 15 दिन जारी रही। 15 दिन में पेट्रोल पर तकरीबन 4 रुपए और डीजल पर 3.80 रुपए बढ़ाए गए थे। उसके बाद 2 दिन में 8 पैसे की मामूली कटौती की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने पर भी तेल कंपनियां दाम नहीं घटा रही। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।